Assalamualaikum student, this video is for class 8 A and B. Today we will read about types of disaster. तो कितने तरह का होता है? दो तरह का, natural disaster, human induced disaster. आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे natural disaster. Okay? Natural disaster हम लोग देखेंगे कि climate change के होने की वजह से होता है, geological factor की वजह से. Okay? मतलब कि क्लाइमेट में, पूरे ग्लोब में क्लाइमेट में किस तरह से दबाव पड़ता है, या जियोलॉजी में किस तरह से प्रेशर होने की वजह से जो चेंजेस आते हैं ना, तो उसकी वजह से नेचुरल डिज़ास्टर ऑकर होता है. ओके, तो पहला है हम लोगों का डिज़ास्टर में फ्लड. फ्लड कैसे होता है? कॉज ड्यू टू हेवी रेनफॉल, स्वेलिंग ऑफ रिवर वाटर, डैम कोलैप्स. यहाँ पे डैम कोलैप्स क्यों दिया हुआ है? कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसका जो बेस होता है, बारिश के पानी की वजह से वो जो डैम कोलैप्स हो जाता है, तो पानी जो डिवाइड रहता है ना डैम पे, वो पूरा फैल जाता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे सैलाब आता है. ओके, साइक्लोन की वजह से सैलाब आई गई. सुनामी, सुनामी आप लोग जानते हो कि ओशन में, यानी ओशनिक प्लेट में, जब ओशनिक प्लेट जब क्या होता है, वो टूटता है या फट जाता है, तो जिसकी वजह से ओशन का पानी पूरा कोस्टल एरिया में जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्लड आ जाता है. ग्लेशियर मेल्टिंग, यानी लगातार बारिश हो रही है, प्लस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है और ग्लेशियर का पानी भी मेल्ट हो रहा है, तो बारिश का पानी और ग्लेशियर का पानी मिक्स होके वो और ज़्यादा पानी हो जाता है, सी लेवल को राइज करता है और फिर आसपास एरिया को डुबा देता है. ओके, स्टॉर्म सर्ज इन कोस्टल एरियाज, बहुत तूफानी बारिश हो रही है, जैसे कि फिलहाल अभी हुआ है, तूफान आया है, तो क्या वो कोस्टल एरिया को पूरा उसने डुबो दिया. ओके, जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत ही जानी तो नहीं, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है. ओके, सो क्या इम्पैक्ट होता है? सबसे पहला तो ये फ्लड क्या, मतलब क्या लॉस करता है यहाँ पे? कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन प्लेन्स. ओके, प्लेन एरिया में ही होता है ये सब. दे कैन रुइन एग्रीकल्चर आउटपुट एंड कॉज ह्यूज लॉस ऑफ फ्लड फूड ग्रेन्स एंड लाइफ स्टॉक. ओके, नेक्स्ट इज फ्लड लीड टू कॉन्टमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. पीने का पानी को कॉन्टमिनेट कर देता है, यानी और भी गंदी पानी जो है उसमें मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग पीने का पानी से हम लोग महरूम हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट कॉज आउटब्रेक ऑफ दी वाटरबॉर्न डिजीज, यानी पानी में जो बहुत तरह का जर्म्स बैक्टीरिया मिक्स हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ जो ऊपर आ जाती है, जैसे कि मलेरिया, डायरिया, जॉन्डिस एंड लिप्टोस फिरोसिस. ओके, कोस्टल एरियाज, एग्रीकल्चर लैंड टर्न लाइन ड्यू टू टाइडल फ्लडिंग. अगर टाइडल फ्लड आया है, तो टाइडल मतलब ओशन में जो टाइड आता है, तो टाइड का पानी क्या होता है? नमकीन होता है, जिसकी वजह से रिवर वाटर में मिक्स हो जाता है, और वो रिवर का पानी जब से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में वो लैंड जो होता है हो जाता है अनप्रोडक्टिव हो जाता है. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ना, कुदरती जो आपात आते हैं ना, उसको हम लोग रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर जब हम लोगों को पता है कि आने वाला है, तो कुछ मेजर्स के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग का बहुत ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है, तो हम लोगों को कम नुकसान होगा. ओके, जैसे कि पहला हम लोग को पता है कि ये एरिया जो है फ्लड प्रोन एरिया है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये तीनों जो है फ्लड प्रोन एरिया है, और पहले से अगर अलर्ट किया जाता है कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, तो हम लोग उसे प्रिकॉशन कर लेंगे वहाँ से, मतलब कि हट जाएंगे, लोगों को हटा दिया जाएगा, और भी बहुत सारे मेजर्स उसको किया जाएगा, जिससे क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता है. ओके, इवैक्यूएशन नंबर टू में देखो आप लोग, इवैक्यूएशन ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पीपल शुड बी डन फ्रॉम वल्नरेबल एरियाज. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना सारा जानवर है या आदमी है, वहाँ से उन लोगों को हटा दिया जाएगा, जिससे कि हम लोग इस नुकसान से हम लोग दूर हो जाएंगे. बिल्डिंग्स इन कोस्टल एरिया शुड बी बिल्ट ऑन स्टिल्ट ऑन पेडेस्टल्स. ओके, तो क्या होगा कि बिल्डिंग्स और कोस्टल एरिया के पास जितने सारे बिल्डिंग्स, घर वगैरह है, उसका बेस को यानी पिलर को बहुत ही मजबूती देना है, सारा देखे करना है, ऐसे नहीं ताकि वो हवा से या साइक्लोन से वो गिर ना जाए. ओके, वार्निंग शुड बी गिवन थ्रू द मास मीडिया सच एज टेलीविजन एंड रेडियो. तो इससे क्या होगा, वार्निंग देना बहुत ही अच्छा होता है, ताकि लोग अलर्ट हो जाए पहले से. इसी भी तरह के और देखो तीन पॉइंट्स हैं जिसको पढ़ने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी. लास्ट वाला पॉइंट देखो क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट किट मस्ट ऑलवेज बी केप्ट रेडी. ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट किट ये देना बहुत ज़रूरी है, हमेशा रेडी रखना चाहिए, ताकि लोग इसे अलर्ट हुए और जितना भी मेजर्स इसको अपनाए. ओके, और आस पास के लोगों को भी इससे अवेयर करें. नेक्स्ट इज हम लोगों का है साइक्लोन. ओके,
ट्रॉपिकल साइक्लोन और कॉज बाय द डेवलपमेंट ऑफ द सडन लो प्रेशर ओवर द सी लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग विंड विथ थंडर एंड लाइटनिंग अकम्पाइंड बाय हैवी शावर्स. ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो भी हुआ है. ओके, तो ये साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में ही होता है. और ये कब होता है? जब वो एरिया लो प्रेशर वाला एरिया हो. और हम लोग इंडिया जो है बिल्कुल लो प्रेशर एरिया में ही पड़ता है. जगह मतलब कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर हाई होगा, वहाँ पे लो प्रेशर होगा ही. तो ये स्ट्रॉन्ग विंड से और डेवलप करता है. और ये जो साइक्लोन आता है विथ थंडर लाइटनिंग और काफ़ी बारिश होती है. हैवी शावर मतलब बारिश को होना. ओके, कैन फैक्टर्स का विथ लाइट वेट शेल्टर्स आर ब्लोन अवे, कोस्टल एरियाज आर फ्लडेड, एम्बैकमेंट्स आर ब्रोकन एंड ऑफन देयर इज़ अ कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाइज, हाई स्पीड विंड्स डैमेज क्रॉप, फिशिंग विलेजेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर समटाइम्स एंटायर आइलैंड आर सबमर्ज. सब कुछ बर्बाद हो जाता है. ये इसका इम्पैक्ट है. ओके, नेक्स्ट इज रिस्क रिडक्शन मेजर्स. क्या हम लोग मेजर लें जिससे कि रिस्क थोड़ा रिड्यूस हो जाए. ओके, सो सेटलमेंट मस्ट बी बिल्ट ऑन हायर ग्राउंड. हायर ग्राउंड में सेटलमेंट करें, यानी पूरा लो कोस्टल एरिया के लो लैंड में हम लोग सेटलमेंट एरिया यानी घर वर नहीं बना सकते. क्योंकि इस तरह का कोस्टल एरिया में बारिश का होना, साइक्लोन का होना बनता है. ओके, तो इस तरह हम लोग वहाँ पर लो लैंड एरिया में नहीं, थोड़ा हाई लैंड में बनाए. साइक्लोन शेल्टर मस्ट बी बिल्ट वेयर द पीपल हु आर इवैक्यूएटेड कैन बी शेल्टर्ड बिफोर द ऑनसेट ऑफ द साइक्लोन. यानी साइक्लोन शेल्टर यानी कोस्टल एरिया के बिल्कुल करीब अगर ऐसा कुछ हो तो हम लोग क्या करें, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर सके ताकि अगर साइक्लोन आना हो तो लोग शेल्टर ले सके आराम से. ओके, रोज ऑफ ट्रीज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट मस्ट बी रेज पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्ट एंड रिड्यूस द स्पीड ऑफ विंड एंड सर्जिंग सी वाटर. क्या बोला है यहाँ पे कि कोस्टल एरिया में लाइन से ट्रीज लगाना चाहिए ताकि जो विंड का स्पीड हो ना तो वो ट्रीज में टकरा के विंड का स्पीड को वो डिवाइड कर दे जिससे कि विंड का स्पीड कम हो जाए. ओके, तो इस तरह से ट्रीज वहाँ पर लगाना चाहिए. साइक्लोन फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग्स शुड बी ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो एंड टेलीविजन. दीज वार्निंग्स आर स्पेशली बेनिफिशियल टू फिशरमैन इन कोस्टल एरियाज सो दैट दे कैन रिफ्रेन फ्रॉम वेंटरिंग इन टू द टर्बुलेंट सी. ओके, क्या बोला है यहाँ पे, साइक्लोन को फोरकास्ट सबसे पहले किसको करना चाहिए? फिशरमैन को, थ्रू अ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो और टेलीविजन. ओके, ताकि वो लोग जो समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं और जो उनका रोज़गार होता है तो सबसे पहले वो लोग अलर्ट हो जाए, क्योंकि वो उन लोग को सबसे पहले जान का खतरा होता है. तो सबसे पहले उन लोग को अलर्ट करना चाहिए और भी उसके अलावा और आसपास के लोगों को, बाकी लोगों को भी इससे अवेयर करना है, अलर्ट करना है, ताकि ज़्यादा माली और जानी नुकसान ना हो. ओके, यहाँ तक कि आप लोग का होगा आज तक. और इससे रिलेटेड मैंने दो क्वेश्चंस आप लोग को देने हैं जो कि पेज नंबर 52 में है. क्वेश्चन नंबर 4 का सी और डी, मेंशन 3 रिस्क रिडक्शन मेजर फॉर फ्लड प्रोन एरियाज. डी, हाउ कैन साइक्लोन डैमेजेस बी रिड्यूस. मेंशन 1 इज स्ट्रक्चरल एंड 1 नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स. ओके, बस ये दो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.